आ गई सुशांत के परिवार और फैंस के लिए अच्छी खबर। सुशांत की मौत के करीब 9 महीने बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल करेगा। जी हां, सुशांत की मौत को भले ही 9 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक सुशांत के फैंस में सुशांत के इंसाफ के लिए वही जोश कायम है जो 14 जून से दिखाई दिया था। आपको बता दें कि एनसीबी सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स केस की जांच कर रहा है। एनसीबी के मुंबई जोनल हेड समीर वानखेड़े खुद इस चार्जशीट को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल करेंगे। बताया जाता है कि ये चार्जशीट 30,000 पन्नों की है। बीते साल 14 जून 2020 को सुशांत की लाश उनके बांद्रा स्थित फ्लैट के बेडरूम में मिली थी। मामले में ड्रग्स चैट के सामने आने के बाद एनसीबी ने इसकी जांच शुरू की थी। ड्रग पेडलर से लेकर सुशांत के मैनेजर्स तक से पूछताछ के बाद एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती जमानत पर रिहा है। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का भी नाम है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में 33 लोगों को नामजद किया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक के अलावा इसमें कई ड्रग पेडलर्स के भी नाम हैं। इनमें से अधिकतर ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने जाँच के दौरान गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ड्रग्स के तार बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियों से जुड़े हुए पाए गए। इन सेलिब्रिटीज के नाम ड्रग पेडलर्स से पूछताछ में सामने आए। एनसीबी ने इसके बाद दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह से लेकर मधु मंटेना तक से इस मामले में पूछताछ की। ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक्टर्स के मैनेजर से भी पूछताछ की। इन्हीं पूछताछ और शुरुआती सबूतों के आधार पर रिया और शौविक को गिरफ्तार किया गया था। दोनों जमानत पर रिहा हैं। रिया और शौविक पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत को ड्रग्स सप्लाई किए। हालांकि हाई कोर्ट में रिया को जमानत देते हुए कोर्ट ने ये भी माना कि एनसीबी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि रिया ने खुद ड्रग्स की खरीद फरोख्त की या फिर खुद ड्रग्स लिए। रिया ने भी अपने बयान में यही कहा कि उन्होंने सुशांत के कहने पर ही उनके लिए ड्रग्स उपलब्ध करवाए थे। सुशांत ने ही इसके लिए पैसे दिए थे और पेडलर्स की जानकारी भी सुशांत ने ही दी थी। रिया के भाई शौविक और उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पेडलर्स से सीधे संपर्क में थे। बीते साल अगस्त महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सुशांत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को रिया और शौविक के फोन में ड्रग्स चैट मिले थे। ईडी ने ये जानकारी एनसीबी से साझा की थी, जिसके बाद ब्यूरो ने ड्रग्स केस की जांच शुरू की थी। इन ड्रग्स चैट में सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से लेकर दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के नाम थे। एनसीबी ने जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 9 महीने के बाद मौजूदा वक्त में ये सभी जमानत पर रिहा हैं।